नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो इटोरिकॉक्सिब टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का उपयोग सिर दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट 60 mg, 90 mg व 120 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और लंबे समय तक इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लकवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में इटोरिकॉक्सिब 60 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की डोज को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना इटोरिकॉक्सिब टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट